अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैंने बनाए थे अपने लिए रेजिन के इयररिंग्स अपने सूट के मैचिंग के, जो कि बनने के बाद मेरे सूट से मैचिंग ही नहीं हुए। तो आज मैं बना रही हूँ उसी सूट के लिए दोबारा से इयररिंग, क्योंकि मुझे तो रेजिन के इयररिंग ही पहनने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा कोशिश की जाए और एक और दफा ट्राई किया जाए। आप लोग बताना, कभी आप लोग साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग अपने सूट के मैचिंग के इयररिंग्स लाए और वो मैचिंग ही ना हो सूट से? बहुत गुस्सा आता यार उस वक्त। फिर तो मैंने ले लिया 1 टीस्पून रेजिन और 1/2 टीस्पून हार्डनर, जिसे मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। हल्के हाथों से मतलब हल्के हाथों से आइसक्रीम स्टिक के हेल्प से, ये मत समझना कि हाथों से मिक्स किया है मैंने। फिर मैंने डाल दी इसमें डार्क ग्रीन कलर के ग्लिटर, जितनी भी थी मेरे पास मैंने सारी इसमें डाल दी। और इसकी डालने के बाद तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एकदम शाइनी शाइनी सा। फिर मैंने टेप को कार्डबोर्ड पर स्टिक साइड ऊपर करके स्टिक कर दिया और उस पे चिपका दिए छोटी छोटी सी चूड़ियाँ। ये चूड़ी, इस छोटे वाले को चूड़ी मत समझ लेना, भला इस साइज की चूड़ी कौन पहनेगा। ये तो ऐसी रिंग्स पड़ी थी मेरे पास जिन पर मैंने नेल पेंट कर दिया था, और इसे भी यूज कर लिया इयररिंग में। तो चारों चीजों में मैंने रेजिन डाल के अच्छे से फैला दिया और इसे ड्राई होने छोड़ दिया, जो कि 4-5 घंटों में ड्राई हो गई थी। फिर मैंने लिए हैं ये फ्लावर्स, जो कि मैंने ग्लॉसी शीट पर खुद प्रिंट आउट करवाए थे खास तौर पर इस इयररिंग के लिए। अच्छा, ये मैंने सिर्फ रखे नहीं है, इसे थोड़ी सी ग्लू से चिपका दिया है ताकि ऊपर ना आ जाए। इसे चिपकाने के बाद मैंने सेम मेजरिंग से और रेजिन बनाई, इसकी एक और लेयर इस पर डाल दी, जिससे बहुत अच्छे से शाइन करेगा। और फिर इसे तो मैंने ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो सुबह जब देखा तो काफी अच्छे से ड्राई हो गया था ये। असल खुशी तो यहाँ पर होती है जब आपकी रेजिन ड्राई हो गई हो, बस इसे अटैच करके इयररिंग बनाने हो। इसे जब मैंने टेप पर से निकाला तो इतने ज्यादा ग्लिटरी ग्लिटरी लग रहे थे। फिर मैंने सीजर की हेल्प से चारों पीस में होल कर दिया और उसे जंप रिंग से अटैच कर दिया। ये वाले इयररिंग्स तो मेरे सूट से काफी अच्छे से मैच कर रहे थे। इस सूट के लिए तो मैंने बो हेयर क्लिप भी बनाई थी, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। बस फिर लास्ट में ग्लू लगाकर मैंने इसमें इयररिंग बेस अटैच कर दिया। इसके बाद रेडी है हमारे ब्यूटीफुल से इयररिंग। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।